गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे फार्मूला को पढ़ रखा है और रिलेशंस अब हम लोग पढ़ते हैं, इसका रिलेशन उसके साथ क्या है, इसका रिलेशन उसके साथ क्या है। कल ही करेंट डेंसिटी भी हम लोग पढ़े नहीं, तो ध्यान से देखिए। अब टॉपिक्स का हेडिंग लगाइए, रिलेशंस कल बताए थे करेंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी में, किस में बताए थे रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी, चालकता एवं धारा घनत्व एवं चालकता में संबंध नहीं बताए थे। चलो हेडिंग लगाओ, रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी, यानी कहेंगे धारा घनत्व एवं चालकता में संबंध। संबंध का अर्थ हम लोग समझ चुके हैं, जिसका जिसका संबंध बनाना है, जिसके जिसके बीच दोनों को पकड़ के लाओ। चलिए पहला पकड़ के लाते हैं, वी नो, हम लोग जानते हैं क्या करेंट डेंसिटी। अब कहिएगा कौन सा फार्मूला, हम तुमको पूरा फ्री किया, जो याद है वही वाला फार्मूला। कोई बच्चा कह दिया कि चलिए सर करेंट डेंसिटी वाला ये वाला फार्मूला बेसिक वाला, हाँ कोई दिक्कत नहीं, जो मन है वो। अब दूसरा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का क्या फार्मूला है, सिग्मा का, रजिस्टिविटी का उल्टा। आपको बोले हैं एक चीज तो याद करना है कि रजिस्टेंस बराबर एम बाय एन स्क्वायर टाउ इंटू एल बाय ए होता है, नहीं पूरा मतलब रजिस्टेंस, इतना सा मतलब रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का उल्टा ही क्या होता है, कंडक्टिविटी। क्या होता है, उल्टा दो उसको तब, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। रिलेशन बनाना है, बहुत तरीका है बनाने का, एक का दूसरे में मान पुट करने पर, अगर पुट होता है तो, एक को दूसरे में भाग देने पर, एक को दूसरे से गुणा करने पर, किसी भी तरह से आप मिलाइए संबंधी पता चल जाएगा। हमने किया डिवाइडेड, डिवाइडेड फर्स्ट बाय सेकेंड, डिवाइड कर दो, यानी जे बाय सिग्मा, जे बाय सिग्मा इज इक्वल टू आई बाय ए, आई बाय ए डिवाइड करेंगे तो नीचे आ गया एन ई स्क्वायर टाउ और एम कहाँ चला गया ऊपर। अब देखिए ये जैसा है, जिस तरह से ये है उस तरह से ये नहीं है, जिस तरह से आपके मामा अमीर है उस तरह से आप अमीर, आपको बैठा घुमाएगा, बोलो जल्दी से, अमीर बनना पड़ेगा आपको, अमीर आपको, यानी उसी के तरह आपको बन ठन के रहना पड़ेगा, नहीं इसको बनाइए, क्या कमी है इसको, आखिर भागना तो उसी का है। जे बाय सिग्मा आई, आई का फार्मूला आई से फॉर्म में लिखिए, आई बराबर क्या होता है, करंट बराबर एन ई ए बी डी होता है कि नहीं, करंट का फार्मूला जी बाय क्या ए। देखो अगर पहचानोगे नहीं तो संबंध आपको समझ में नहीं आएगा, यानी फार्मूला अगर याद नहीं है तो संबंध कैसे निकालिएगा आप, इंटू एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। अब देखो एन ए को कैंसिल कर दिया, यहाँ पर ई स्क्वायर है, ई ई को कैंसिल कर दिया, एन ने एन को कैंसिल कर दिया। अब देखो संबंधी, यानी जे बाय सिग्मा इज इक्वल टू क्या बचा, यहाँ वी डी एम बाय टाउ, क्या बचा वी डी एम बाय टाउ। आगे बढ़ाए जे बाय सिग्मा इज इक्वल टू वी डी का फॉर्मूला, ई टाउ बाय एम और
एम तो एम है, टाओ है तो टाओ दिए, टाओ ने टाओ को मार दिया, इसने भी इसको मार दिया, तो ई साला कहाँ से बच गया। एगो ई छूटा था यहाँ, ई यहाँ छूटा था, ये ई यहाँ लिखा, इस चीज ने इसको मार दिया। यानी आप लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू क्या आया तब, सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो जल्दी से, समझ में आ रहा है ना। कुछ आदमी जो है ना, कुछ टीचर काम देखे थे झूठ का, इसको बोल देता है कि ये माइक्रो फॉर्म है कूलम्स लॉ, अति ओम्स लॉ का, ऐसा कोई बात नहीं है। ध्यान से देखिए, करेंट डेंसिटी जो है, करेंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, संबंध आ गया इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। ध्यान से देखो, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, अगर यहाँ पर एरो लगाए तो यहाँ पर भी एरो लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस तरह से यहाँ से अगर यदि आपको पूछें सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, तो जे बाई क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, कंडक्टिविटी बराबर जे बाय ई। तो इसका एक अलग डिफिनेशन दे सकते हैं ना, करेंट डेंसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, नहीं? तो इस तरह से यहाँ पर कंडक्टिविटी को परिभाषित कर सकते हैं, कंडक्टिविटी मतलब चालकता। कैसे परिभाषित करेंगे, द करेंट डेंसिटी, करेंट लिखते जाओ, डेंसिटी इसमें कुछ नहीं है, अब लिखो तुम लोग, करेंट डेंसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा घनत्व को चालकता कहते हैं। यानी चालकता बराबर हम लोग जे बाय ई आराम से लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत। अब एक चीज और पढ़ा देते हैं, मोबिलिटी, एक और नया शब्द आया मोबिलिटी, मतलब गतिशीलता। ये क्या है देखो, आपको पता है मोबिलिटी को म्यू से दिखाते हैं, एकदम ध्यान से देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। बोलो जल्दी से, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तबे ना चलेगा। अगर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चल रहा है वही ना उसका गति होगा। बोलो जल्दी से, प्रति एकांक इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना सा चला उसी को क्या कहते हैं, मोबिलिटी। क्या कहते हैं उसको, मोबिलिटी। बोला करो, बोलेगा ना तब मजा आता है पढ़ाने में, ऐसे मजा नहीं आता है, गुस्सा से ही आधा चीज भूल जाते हैं। जैसे कुछ पढ़ाए और स्टूडेंट्स अगर नहीं बोल रहा है, ठीक है, अंदर अंदर गुस्सा होता है, जाहिर नहीं करते, उससे क्या होता है बहुत चीज भूल जाते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे केवल करने से नहीं होता है, जवाब देना है जोर से जो कि हम सुन जाए, ऐसे ऐसे पटर पटर नहीं। मोबिलिटी मतलब क्या, गतिशीलता। वेलोसिटी अगर है, कौन लाता है वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन लाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और जितना सा चला, जितना वेलोसिटी हुआ उसको, वही है मोबिलिटी, नहीं? इसका भी डिफिनेशन तब हम लोग बनाएंगे, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट
इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न अनुगमन वेग, अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू म्यू द्वारा क्या करते हैं बोलो, सूचित किया जाता है। ओके, हम लोग गाड़ी चलाते हैं जब रोड खाली है, मतलब रोड में अगर भीड़ भाड़ है तो धीरे धीरे चलते हैं, अगर खाली मिल गया तो क्या करते हैं, तो ये एकदम खाली जगह है कि ना, इसीलिए क्लास उड़ेगा स्पीड से, समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ नया चीज हम ज़्यादा नहीं रॉकेट साइंस पढ़ रहे हैं, इधर मिटाऊं। जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो इस तरह से हम लोग मोबिलिटी किसको कहेंगे, म्यू। म्यू बराबर क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये है मोबिलिटी। आगे बढ़ाएंगे इसको म्यू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ई टाउ बाय एम, और फिर से ये ई ने ई को मार दिया, इसीलिए म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम, ये भी फॉर्मूला आया। यहाँ से फंडामेंटल यूनिट लिख रहे हैं, हिंदी में कहते हैं मूल मात्रक, पूछता ही है, पूछ देगा। तो देखिए इसका मूल मात्रक क्या होगा, चार्ज है, चार्ज का कूलम, कूलम को एम्पियर सेकेंड कहते हैं, टाव सेकेंड है, ये मास है केजी, तो केजी ऊपर जाएगा तो केजी इनवर्स, सेकेंड पर पावर टू, एम्पियर वन, कोई दिक्कत नहीं है, कई एक बार सीख चुका है बाबू। इसका डायमेंशन कहा कोई, एम पर माइनस वन, वेरी गुड, टी पर टू, एम एल नहीं है तो एल दे सकते, जीरो नहीं भी दोगे चलेगा, टी पर टू, ए पर वन। खलास, अब मोबिलिटी का भी देखते हैं संबंध, किससे, करंट डेंसिटी से कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड मोबिलिटी, धारा घनत्व एवं गति शीलता, गतिशीलता में संबंध, संबंध कभी भी निकालना, और आधा काम यही होता है, खाली संबंध ही निकालते हैं इधर से उधर, जिसका जिसका संबंध निकालने पकड़ के लाओ पहले दोनों को, वी नो पकड़ के लाओ पहले करंट डेंसिटी को, जो फॉर्मूला जानते हैं वही बताओ तुम, ये नहीं ये वाला वो बोला उससे कोई मतलब, कितना मास्टर कहेगा इसका देखो ये फॉर्मूला है, इसमें पुट कर दो, उसमें पुट कर दो, ये चला इतना याद रहेगा बच्चा को जी, इसीलिए तुमको जो याद है वही बताओ, बताओ कितना आई भाई। चलो इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, अब दूसरा क्या, मोबिलिटी का फॉर्मूला बताओ, कौन सा बताओगे, ऊपर वाला के ये वाला, चलो बेसिक वाला ही बताया तुम लोग, बहुत तेज है इसलिए सेकेंड होशियार बनता है, ये बेसिक वाला जब फार्मूला रखते हैं ना तो इसको कैलकुलेशन करने में थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन जो याद है आपको वही ना बताइएगा। इधर मिटाएं,
तो चलिए भाइयों, हमारे प्यारे छात्राओं, संबंध निकालना है, क्या करना है? कुछ नहीं, कुछ डायरेक्ट एक दूसरे को मिला दो, डिवाइड कर दिए फर्स्ट को सेकंड से, यानी क्या है सिंपल, जे बाय म्यू इज इक्वल टू आई बाय ए, इसको डिवाइड करेंगे, नीचे तो भी डी आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर चला जाएगा, अच्छी बात है। शर इस तरह से आई था, आई को लिखिए, आई बराबर क्या होता है, एन ई ए भी डी, बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड रहने दो, ए भी डी रहने दो, भी डी ने भी डी को मार दिया, ए ने ए को मार दिया, इसलिए जे बराबर क्या आया, म्यू चला जाएगा उधर, बोलो एन ई ई, आया नहीं आया तुम्हें, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, संबंध आ गया, आया कि नहीं? अब कंडक्टिविटी के रूप में संबंध निकाल रहे हैं, रिलेशन, जो दो क्वांटिटी पकड़ो दोनों को मिला दो बस संबंध आ जाएगा, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड, और सब टीचर इसमें बड़ा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को, कहेगा देखो इसका ये फॉर्मूला है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, समीकरण फर्स्ट को सेकंड में पुट करो, इतने ज़्यादा करवाता है ना बच्चा, कौन से कर जाए, जो जानता है उसी से करेंगे, ठीक है। ये बहुत दिन के बाद हमको सीखने को मिला है, हम हर एक साल सीखते हैं कुछ ना कुछ, समझे, तब ये कमजोरी हमको पकड़ाया इसका, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी, चालकता एवं गतिशीलता में संबंध, क्या संबंध है बाबू, संबंध निकालना है, पकड़ के लाओ, लाओ जल्दी से, किसको लाओगे, कंडक्टिविटी, बोलो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बोलो कोई, हाँ एम तो वो रजिस्टिविटी था जो उल्टा ही वो करेगा, हाँ वेरी गुड, एन ई स्क्वायर टाउ बाय, एक तो बोले हैं डब्बा वाला फॉर्मूला याद रखने के लिए, R इज इक्वल टू एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाय ए, यहाँ तक समझ गया, ये कंडक्टिविटी है, हैं इक्वेशन मान लो फर्स्ट, अब दूसरा क्या, मोबिलिटी, बताइए कौन सा बताओगे मोबिलिटी का फॉर्मूला, जो मन तुम्हें चाहिए, ये वाला, चूँकि ये मैच करेगा इसलिए फटाफट कटेगा, इसलिए यही रख दो तो जल्दी बनेगा, रख सकते हो तुम कोई भी, ठीक है, तब क्या हो जाएगा बोलो, e tau by m इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड, अब फटाक से एक में दो से क्या करने पर, इधर लिखे क्या, नहीं लिखे हैं तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आज NH80 रोड मिला है इसीलिए रुकेंगे, क्या है स्पीड पकड़वा रहे हैं, ठीक है, सिलेबस भी खींचना है ना, खेल करने से नहीं ना होगा, सिग्मा बाय म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन, हाँ एन स्क्वायर टाओ बाय एम, नीचे चलो क्या, ई टाओ एम कहाँ चला जाएगा, ऊपर, एम ने एम को मार दिया, सिग्मा बाय म्यू इज इक्वल टू, देखो स्क्वायर और ई खत्म, टाओ ने टाओ को मार दिया, एन ई क्या बचेगा, एन ई और कुछ नहीं, इसलिए सिग्मा इज इक्वल टू म्यू एन ई, क्या बच गया, ये इतना इम्पोर्टेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है मोबिलिटी के टर्म में कि मॉडर्न फिजिक्स में बच्चे कन्फ्यूज ही कर जाते हैं, डायरेक्ट यूज होता है चूंकि वहाँ प्रूफ नहीं होता है, इसलिए ये फॉर्मूला को एकदम याद रखो कि ये मॉडर्न फिजिक्स में यूज होगा, वहाँ पर इसका प्रूफ नहीं है, आया नहीं आया तुम्हें, चलिए बहुत अच्छी बात, अच्छी जज्बात, अब चलते हम लोग आगे,
सब संबंध हो गया, बाकी और किसी से किसी का निकालना निकालते रहना। अब हम लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज ऑन कंडक्टर देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स रजिस फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी। कहेगा जब किसी चालक का प्रतिरोध प्रतिरोध कहते हैं ताप, जब किसी चालक पर ताप बढ़ाया जाता है तो निम्नलिखित भौतिक राशियां पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों हमारे प्यारे सुसंस्कारी सुशोभित, क्या प्रभाव पड़ता है? एक के चीज के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, बहुत चीज जितना कुछ पढ़े सब पूछ लेते हैं नहीं, ज्यादातर रेजिस्टेंस वाला पूछता है। क्वेश्चन लिखो। चलिए पहला नंबर दे दिए आपको टाउ, दूसरा नंबर दिए थर्मल वेलोसिटी, तीसरा नंबर दे दिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चौथे नंबर में दे दिए करेंट, पांचवें नंबर में दे दिए रेजिस्टेंस, छठे नंबर में दे दिए रेजिस्टिविटी, सातवें में दे दिए कंडक्टेंस, आठवें में दे दिए कंडक्टिविटी, नौवां में दे दिए आपको मोबिलिटी, दसवां में दे दिए आपको और भी टर्म पढ़ा है जो भी पढ़ा है सब, मानो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? इट इज जितना भी कुछ पढ़े हो अभी तक सब लिखे, पूछते रहता है ताप बढ़ा देंगे चालक की चालकता क्या होगा, चार ऑप्शन दे देता है खटाक से, कभी प्रतिरोध क्या होगा कभी प्रतिरोधकता क्या होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ से कुछ पूछते चला जाएगा नहीं, इसलिए आपको सबका जवाब देना है, ठीक है? अगर ताप बढ़ाओगे, ध्यान से सोचो, अब आंसर सबका लिखेंगे, तुम लोग उतारो इसका मतलब क्या होता है, बोलिए तो रिलैक्सेशन टाइम, हिंदी नहीं लिखेंगे, सब पढ़ाया हुआ है, विश्रांति काल, इसको क्या कहते हैं थर्मल वेलोसिटी, मतलब तापीय वेग, इसका क्या नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब अनुगमन वेग, इसका नाम क्या है करेंट, मतलब धारा, और दे दो एक तो करेंट डेंसिटी, और ये क्या है रजिस्टेंस प्रतिरोध, ये क्या है रजिस्टिविटी, मतलब क्या प्रतिरोधकता, ये क्या है कंडक्टेंस, मतलब क्या चालकत्व, ये क्या है कंडक्टिविटी, मतलब क्या चालकता, ये क्या है मोबिलिटी, मतलब गतिशीलता, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, और ये क्या है करेंट डेंसिटी।
धारा घनत्व। तुमको बताना है हमारे प्यारों साथियों, अगर आपने पढ़ रखा है तो मैं HW भी दे सकता हूँ इसको, इधर लिख लिया है, कर क्या रहा दरे? चलो समझना है, ध्यान से देखो, सब पेन रोक दो, समझो। टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोई कंडक्टर का, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल एनर्जी मिलेगा उसको, इलेक्ट्रॉन जो वो जो मक्खी की तरह भन भन करता था और भन भनाने लगेगा। बोलो जल्दी से, पहले तक जैसे देंगे तो और छटपट करने लगेगा, तो छटपट करेगा, जल्दी जल्दी टकराएगा कि धीरे लेट से? टकराने में अगर समय लगा, जल्दी जल्दी मतलब कम समय लग रहा है। बोलो जल्दी से, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा छटपट करेगा, धाएं धाएं टकराएगा, यानी कम समय में टकराएगा। बोलो, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यह जो टकराने का समय कम होगा। बोलो जल्दी से, यानी इसका आंसर लिखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? टेम्परेचर का। किसका? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टाउ घटेगा। अब थर्मल वेलोसिटी क्या करेगा? ज्यादा छटपट करेगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं कर रहे हैं, छटपट करने वाला वेलोसिटी, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए थर्मल वेलोसिटी यहां पर इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, क्या टाउ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका? थर्मल वेलोसिटी का। यानी क्या हो रहा है कि टाउ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या प्रभाव होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर टाउ घट जा रहा है नहीं? टेम्परेचर बढ़ाने भी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी टी भी बढ़ जाता है, और घटाने पूछेगा तो कहेंगे घट जाता है। यहाँ क्वेश्चंस में क्या दिए हैं? बढ़ाने पर क्या दे दिए हैं? अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो जल्दी जल्दी टकराने लगेगा, नहीं समझे? ज्यादा थर्मल वेलोसिटी है इधर उधर करने वाला, तो ड्रिफ्ट कम करेगा कि ज्यादा? ज्यादा करेगा। मेला में तुम हो, ठीक है, भीड़ में बहुत स्पीड से तुम भागना चाह रहे हो, जल्दी भाग पाएगा कि धीरे धीरे जो जाएगा वो जल्दी जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने जाओगे दूसरे से टकराओगे, फिर रुकेगा, फिर टकराओगे, नहीं धीरे धीरे खोजते हुए निकल जाओगे कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाता है, क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ड्रिफ्ट स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो किसका? टेम्परेचर का। करेंट क्या होगा बोलो? ज्यादा नहीं सोचना, जितना चलेगा यही ना होगा, इसके लिए भी जितना वेलोसिटी होगा ड्रिफ्ट उतने ना करेंट है। रेजिस्टेंस, इसका आंसर क्या होगा? रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाएंगे जल्दी जल्दी टकराएगा, फ्लो कम हो रहा है यानी विरोध बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? तब बढ़ जाएगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ता भी है। तुम पंखा चलाते हो, पूरा गर्मी है, तुम फर्स्ट फ्लोर पर, कहाँ पे हो? पूरा धूप है, देखना वही पंखा होकर होकर करेगा, नीचे में किसी का लगा हुआ है जना, देखना वही पंखा स्पीड पकड़ लेता है। गर्मी के दिन में पंखा चलाओगे उतना हवा नहीं देता है, ठंडी में चलाओगे देखना लगता है आंधी उड़ा देगा, समझ में आ रहा है ना? टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, नहीं कोई दिक्कत? जैसे देखो मोबाइल से गाना बजा के छोड़ दो रात भर, धूप में बजाओ, देखना आवाज कम करेगा, एकदम ठंडे जगह के पास बजाओ, देखना आवाज ज्यादा करेगा, समझ में आ रहा है ना? टेम्परेचर बढ़ाने से ये होता है। उसी टाइप से बोलो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा?
ये भी तो वही होगा, क्योंकि बेसिक फार्मूला दोनों का सेम है, केवल इसमें एल बाय ए नहीं होता है। तो ताप बढ़ाने से एल बाय ए को, एल और ए को कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। कंडक्टेंस इसका क्या होगा? कंडक्टेंस इसका उल्टा होता है, इसका आंसर कंडक्टिविटी इसका उल्टा होता है। मोबिलिटी मोबिलिटी के बारे में बताइए, मोबिलिटी फॉर्मूला क्या है बोलिए, बेसिक क्या बताइए, वी डी बाय यही ना, वी डी जब बढ़वे करेगा, टेम्परेचर बढ़ने पे वी डी बढ़ता है ना, घट जाता है, क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने पर वी डी घटता है, तो इसका मतलब मोबिलिटी भी क्या होगा, घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। बैटरी से जो लगाए ताप बढ़ा दो, उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कंडक्टर नहीं है ना जी, ताप कहाँ बढ़ा रहे हैं, कंडक्टर पे ना, नो इफेक्ट। करंट डेंसिटी क्या होगा बोलो, करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला देखो, आई बाय ए, आई ज्यादा तो ये भी ज्यादा, लेकिन ताप बढ़ाने पर आई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, करंट डेंसिटी भी कम होगा। कोनो क्वेश्चन पूछेगा तो आप जवाब आराम से दे सकते हैं, लेकिन सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन है दिस, ये एकदम याद रख लेना, रेजिस्टेंस बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। हमारे प्यारे बच्चों मिटाओ इसको, इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, ताप पर प्रतिरोध का निर्भरता, इन्हें ताप अलग अलग देंगे तो प्रतिरोध भी, बोलो ताप बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, क्या करेगा इंक्रीज। हमारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, रटना नहीं, समझो, अभी समझा रहे हैं फिर लिखा देंगे। देखो एक ये कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है, ओके। जब टेम्परेचर इस पर टी वन था तब इसके रेजिस्टेंस मापे तो कुछ हुआ आर वन, जब इसी कंडक्टर को टी टू है तो रेजिस्टेंस क्या हो गया आर टू, कोई दिक्कत? यानी टेम्परेचर अगर बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, बोलो। अगर रेजिस्टेंस है यहाँ 2 ओम और यहाँ है 5 ओम, कितना बड़ा, क्या करते हैं इसमें, इसको घटा देते हैं, यानी इसका मतलब है कि घटा देंगे, यानी आर टू माइनस आर वन, इसी को क्या कहते हैं डेल्टा आर, वही नहीं तीन, बोलो जल्दी से, यानी कितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस, कितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस, मतलब मानो डेल्टा आर, इसमें इसको घटा दूंगा नहीं,
यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना टेम्परेचर बढ़ाया। अगर है 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो गया 8 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना बढ़ा? 6। जितना से बढ़ाए कितना बढ़ाए, वो जो 6 है कैसे निकलेगा? T2 माइनस T1, यानी उसको कहते डेल्टा टेम्परेचर। नहीं, यानी कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाए कितना आपने, डेल्टा टी। कितना बढ़ाया? डेल्टा टी। तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा डेल्टा आर। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ये क्यों लिखे? चूंकि जानते थे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कह सकते हैं एक बात हमको समझ में आया, टेम्परेचर जितना जितना रेजिस्टेंस बढ़ा मतलब उतने टेम्परेचर बढ़ा होगा। बोलो, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कोई दिक्कत? यानी अब हम लोग सीखे कि टेम्परेचर जैसे बढ़ाऊंगा कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब देखिए, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, मानो इसका 10 ओम रेजिस्टेंस है। कितना है? एक कंडक्टर है और इसकी रेजिस्टेंस इसी मटेरियल का है, इसका 20 ओम है। कितना है? ऑब्वियसली 10 ओम इधर होगा, 10 ओम इधर। बोलो जल्दी से, हीट दिए तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ के मान के आया 11 ओम। कितना आया? इसको भी वही हीट दिए, टेम्परेचर दिए, क्या दिए? तो ये भी बढ़ेगा, 10 था तो क्या बन गया? तो ये भी 10 था तो 11 बन जाएगा, फिर इधर भी 10 था तो 11, क्या हो जाएगा? 22। क्या हो जाएगा? यानी कम रेजिस्टेंस वाले, कम रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर को अगर का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो कम रेजिस्टेंस बढ़ता है। बोलो जल्दी से, ज्यादा रेजिस्टेंस वाले, ज्यादा रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर को टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो ज्यादा, समझ में आ रहा है ना, ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बढ़ता है कि नहीं? यानी एक चीज तो ये भी देखा तुमने, बिल्कुल सही है, दूसरा ये भी रेजिस्टेंस जो बढ़ता है इस बात पर भी डिपेंड करता है कि शुरुआती दौर में कितना रेजिस्टेंस था। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब शुरुआती दौर में अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, शुरुआती दौर में अगर ज्यादा रेजिस्टेंस का वायर है, इसका मतलब वो ज्यादा बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार क्या देखें हम लोग कि ये जो रेजिस्टेंस बढ़ेगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, टेम्परेचर डिफरेंस का। दूसरी बात ये सीखे कि ये जो डेल्टा आर है ये बढ़ेगा वह इस पर भी डिपेंड करेगा शुरू में कितना रेजिस्टेंस है। समझ में रखने, यानी यह दो बातों पर निर्भर कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? तो दो बात पर निर्भर कर रहा है, दोनों को मिला दो, दोनों को मिला देंगे तो डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, आर वन इंटू डेल्टा टी। समझ में आ रहा है कि नहीं? करता क्या है कुछ ठग मार के मास्टर सब, ध्यान से देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं, टीचर का बात छोड़ दो, ठीक है, मतलब समझना है वही, लेकिन उसका बात छोड़ दो, ऐसे सोचेगा मेरे बारे में बोल रहा है, वो सोचेगा मेरे बारे में बोल रहा है, ठीक है। देखिए वो क्या कर रहा है कि समझाया बुझाया कुछ उन्हें, कहेगा देखो इसका डिफिनेशन, प्रतिरोध में परिवर्तन की, प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रारंभिक प्रतिरोध एवं ताप में परिवर्तन के गुणनफल का समानुपाती होता है। ये आया कहाँ से रे? समझ में आ रहा है कि नहीं? इट इज द फिजिक्स, ये क्या है? फिजिक्स था। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या है? रटवा रहा है वो, ठीक है। तो वैसे टीचर आपको कभी भी फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होने देगा और आपको सब्जेक्ट भारी कर देगा। मिटाऊं? इसलिए इस सब पे सावधान रहना चाहिए। अरे यार, ये अभी साइंटिस्ट बनाए आप लोग को, अब लिखेंगे, ये नहीं कि होता है, होता है वाला फिजिक्स हम नहीं पढ़ाते हैं, अभी साइंटिस्ट बनाए,
आप ही डिफिनेशन बनाए आप, कौन बनाइएगा? आप ही बनाइएगा। आपको बोले थे कि ये डिफिनेशन होता है, डिफिनेशन अगर वो होता तो हम कहते कि देखो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ इसका और इसका, कहे हैं हम कि आप ही कर रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब है आपके अंदर जो साइंटिस्ट है उसको जगाइए, आपके अंदर का साइंटिस्ट को जगाइए, चीज़ें आसान हो जाएगा। फिजिक्स इज नॉट ए रट्टाफिकेशन, रटना फिजिक्स में नहीं चाहिए। कोई दिक्कत तो तुरंत आज डिफिनेशन अब हम दे सकते हैं कि नहीं? प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रारंभिक प्रतिरोध एवं टेम्परेचर में परिवर्तन के गुणनफल का समानुपाती होता है, क्योंकि हम लोग करके देखे सच्चे में होता है। नहीं समझे? ध्यान से देखो, गाड़ी स्पीड चलाए जहाँ चलाना था, गाड़ी में ब्रेक लगाए यानी धीरे धीरे चले जहाँ समझाना था। ये कॉन्सेप्ट जब आ जाएगा ना वहाँ तेज करना ठीक बात, डायरेक्ट लिख देंगे बच्चा को कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये डिफिनेशन याद रहेगा जी। ऐसे बच्चा जान रहा है, सोचा बच्चा ने कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पक्का है जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने ना बढ़ेगा, ये बात तो खटाक से सोच लिया। अब देखा अगर एक 10 ओम का कंडक्टर है, 10 ओम का कंडक्टर है और एक 20 ओम का कंडक्टर है, दोनों को टेम्परेचर बराबर दिए, 10 ओम वाला हो गया 11, ओबियसली है 10 साथ हो गया कितना 11, तो ओबियसली है 20 होगा तो 22 हो जाएगा, जरूर है ये कंडक्टर से वो ज़्यादा लंबा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कहने का मेरा मतलब वो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि शुरू में रेजिस्टेंस था कितना, कम रहेगा तो कम बढ़ेगा, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा बढ़ेगा। यानी चेंज इन रेजिस्टेंस यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेजिस्टेंस का, किसका? यानी ये दोनों बात समझ में आ गया, दोनों को जब मर्ज किए, दोनों को जब मर्ज किए, मर्ज करने के बाद रिजल्ट 20 आया नहीं, तब अब हम लोग डिफिनेशन बनाएंगे, लिखेंगे वही बात, लिखेंगे उसको मिटा देंगे, लिखेंगे क्या वही बात। तो पहले के ज़माने में कॉपी मिलाया करता था, मतलब घर में, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब धीरे धीरे वीडियो मिलेगा कुछ दिन के बाद, तब सोचेगा कि बिहारी सर अच्छा पढ़ाते हैं कौन, जो बकेगा नहीं तो क्या करेगा, आलतू फालतू बात छापते रहेगा। हम जो ये सब लिखे एक बार में 20-25 को संडिल कर दिए, इतना सारा और भी होगा तुम कर सकते हो। अब इसी को लिखाएगा कोई, रिमेंबर पॉइंट, नोट पॉइंट में लिखाना पड़ता है, बच्चा काहे के बच्चा का डिमांड है वैसा। कहेगा किसी चालक पर ताप बढ़ा देने पर उसका विश्रांति काल घट जाता है, फलना करने पर ये लिखा लिखा के कॉपी भर देगा, ओरिजिनल चीज पर बहस कर नहीं सकता है, डुप्लीकेट पर पूरा कहानी झूठ मुस्का लिखेगा, जबकि वो फिजिक्स है नहीं। ठीक है, तो थैंक यू, कल बताएंगे अब। हाँ एक बात इम्पोर्टेंट बताए नहीं आप लोग को, ध्यान से देखिए, करंट का बहुत सारा फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा। अब जैसे करंट का पहले भी पढ़ा था तो उस सब का फार्मूला का हो गया था नॉमरिकल, अब कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आया है ना, समझे? एग्जाम में आया है, एग्जाम के मॉडल का है, वह आज हम अपलोड कर देंगे, 7 बजे आप लोग को देखना है। ठीक है, कहे कि इसमें समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, यही सब कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन बनेगा, कुछ नॉमरिकल्स कुछ ऑब्जेक्टिव सारा चीज का लोड कर देंगे, 7 बजे आप लोग देख लीजिएगा उसको रात में, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? YouTube पर छोड़ देंगे पब्लिक, ठीक है, काहे कि करना ही पड़ेगा, अच्छा से पढ़ेंगे तब ना क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा हमको विश्वास है, चाहिए ना क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन रहेगा। नॉमरिकल जैसे बताएंगे एक दूसरा नॉमरिकल HW देंगे, फार्मूला लिख देंगे सब एक साथ, कितना फार्मूला आप पढ़े वो भी आपको दिमाग में सेटअप हो जाएगा, तो ठीक है, तो आज का वो मिस नहीं करना है। ठीक है, और ऑप्टिक्स भी पढ़ा ही रहे हैं, ध्यान से देखो धीरे धीरे कर दिए स्पीड नहीं, कल देखो कल भी ऑप्टिक्स का कलर व्हील कलर ट्रेंगिल बताए थे नहीं,
लाल रंग, देखो यहाँ नेचुरल कलर कौन कौन सा है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, कम्प्लीमेंट्री कलर, तीन तरह का कलर बताए थे। एक वह कलर है, ध्यान से देखो, रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर, ये प्राइमरी कलर था नहीं, तीनों को जब मिला देते हैं तो व्हाइट बनता है। क्या बनता है? ये रंग होली के बल खेलने वाला मत समझना, लाइट का रंग है ये। किसका है? तुम देखता होगा स्टेज पर जब डांस प्रोग्राम होता है ना, उस समय दो तीन को लाइट लगाता है, लगाता है कि नहीं? एक के बार अगर लाल, पीला, सॉरी लाल और ब्लू और ग्रीन तीनों जला दिया, उजला दिखेगा, तब क्या दिखेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी दो कलर रंग मिला करके तीसरा कलर भी बनाया जा सकता है। ये सब चीज के बारे में, कौन कौन से, देखो यहाँ कौन कौन से रंग के लाइट को एक साथ मिलाएंगे तो कौन सा कलर बन जाएगा, ये इसके बारे में सिखाए हैं कल। ठीक है, कलर ट्रेंगल है और कलर व्हील है जिसके मदद से सिखाने की कोशिश किए हैं, उसको ऑप्टिक्स को करते जाएं, ज़्यादा समय का नहीं, मात्र 30 मिनट का वीडियो बनाएं, करना ही पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं होता है बाबू। अगर दिक्कत हो गया हम इस क्लास को रोक करके हम ए टू जेड पढ़ा देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर बाय चांस अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम इस क्लास में पूछो ना तुम हमसे, हम ए टू जेड उसके बारे में बता देंगे, जहाँ पर दिक्कत आएगा तो। कोई दिक्कत? थैंक यू। करंट का आज देख ही लेना है सबको।